audio. हम गरीबों को फ्री में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और उन्होंने करने का काम किया है। ये अजूबा काम होता है आपके यहाँ। आज आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए, आपके बेटे को पढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी माता पिता का होता है, लेकिन वो सारा जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठा लिया। आपके बच्चों को पढ़ाई की चिंता नहीं है। आपकी बेटी अगर बीए तक पढ़ती है तो साइकिल पोशाक छोड़ करके 54 लाख रुपया अगर देने की बात किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। आज हमारे किसान के मजदूर के बेटा अगर मैट्रिक पास के बाद पढ़ने की उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, उन्होंने कहा 7 निश्चय में कि अगर हमारा गरीब का बेटा, हमारा दलित का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा अगर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनना चाहता है, उसके लिए हम बिना ब्याज के 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। नौकरी हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नौकरी नहीं हुआ एक पैसा मान दिया। सीबी बाबू और हम लोग के गार्जियन है, हम बहुत समय नहीं लेंगे, बस इतना ही कहना चाहते हैं, तूफान से टकराए उसे पहाड़ कहते हैं, तूफान से टकराए उसे पहाड़ कहते हैं। बिहार को जन जन का नेता, उसका नाम है आरसीपी नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। दलित का उत्थान का काम किया, वैसे महादलित जो भूमिहीन है उन्हें 5 डिसमिल जमीन देने का काम किया है, वैसे महादलित भवनहीन है उन्हें प्रधानमंत्री योजना से भवन देने का काम किया है, वैसे महादलित जिनके घर में बिजली नहीं है बिजली देने का काम किया है, नल जल योजना से शहर के तरह आपके घर में भी नल देने का काम किया है, आपके घर मुफ्त शौचालय देने का काम किया है, आपके बच्चों का कल्याण के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उस शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है, रोजगार में आरक्षण है, आपके बच्चे आज बुलंद किया था और आजादी के बाद बाबा साहब के साथ मिलकर एक संविधान का निर्माण किया। इस संविधान में
दलितों को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया गया। 70 वर्ष की आजादी के बाद भी बहुत से कानून बनाए गए, बजट में बहुत से प्रावधान किए गए, लेकिन दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हुए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि जब उन्होंने इस प्रदेश का कार्यभार संभाला था तो इस प्रदेश में 40,000 करोड़ का मात्र बजट दलितों के लिए था और आज 13 साल के उनके कार्यकाल में वो बजट 1,550 करोड़ रुपया बढ़ा है। 38 गुना इस दलितों के बजट को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने का चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम, सामाजिक रूप से संपन्न करने का काम और शैक्षणिक रूप से संपन्न करने का काम किया है। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने कानून को बनाया लेकिन उस कानून को अमली दामा नहीं पहनाया गया। इसीलिए 70 साल 73 साल की आजादी के बाद भी जो दलितों की स्थिति बननी चाहिए थी इस देश में वो स्थिति नहीं बनी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को कि जिनके प्रति दलितों के प्रति संवेदना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस प्रदेश में और इस देश में अगर कोई दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हुआ है वो है नीतीश कुमार। इसीलिए विकास पुरुष के साथ साथ हम उनको कहते हैं कि इस प्रदेश में दलित प्रेमी मुख्यमंत्री है जिसके लिए दलितों के प्रति संवेदना है, दलितों को आने लाने के लिए ललक है। हमारे गरीबों में जो गरीब परिवार के लोग है वो चाहते है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने और हमारा बच्चा कलेक्टर बने, लेकिन इस प्रदेश में और इस देश में अकेला व्यक्ति है जो दलितों को कलेक्टर बनाने के लिए योजना की शुरुआत की। दलित चिंतकों की बैठक हुई थी 13 और 14 तारीख को और दलित चिंतकों ने माननीय मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि शायद आजादी के बाद कितना संवेदनशील दलित मुख्यमंत्री कौन हुआ होगा जो दलितों के प्रति कितना संवेदना है। महात्मा गांधी दलित नहीं थे, जो लोग कहते हैं कि दलित में पैदा लेकर ही कोई दलितों की चिंता कर सकता है वो सही नहीं है। महात्मा गांधी भी दलित नहीं थे लेकिन इस देश में छुआछूत के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को इस सम्मेलन के माध्यम से साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आने वाली दलितों की नस्ल है उसको सुधारने के लिए कित संकल्पित है। इसीलिए हम इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री के लंबी उम्र की कामना करते हैं, इस पर उनको प्रभावशाली बनाए, इस पर उनको शक्तिशाली बनाए कि आने वाला जो दलितों का नस्ल है वो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो, शिक्षित हो और मजबूत हो। बात उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, सिर्फ नारे देने से नहीं, बाबा साहब तो आज हमारे बीच नहीं है, न जाने कितने लोग बाबा साहब का नाम लेते रहे लेकिन लोगों की शिक्षा की जोत जलाने का काम नहीं किए। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम इस राज के टोला सेवक गठन करेंगे, विकास मित्र की गठन करेंगे और टोला सेवक और विकास मित्र के माध्यम से हम उन दलितों को शिक्षा की जोत जलाने का काम करेंगे। 2005 के पहले हमारे बच्चे बच्चियां अरुण मांझी जी जिस बात को कहने का काम कर रहे थे क्या हाल था, लेकिन 2005 के बाद वही दलित बच्चे आज अपने पोशाक पहन कर आज सबसे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारी दलित की बेटी जूडो कराटे सीख करके चले और जापान में भी विदेश में जाकर करके और प्रतियोगिता में भाग लेने का काम अधिकार देने का काम किया था, लेकिन 2005 तक कोई जो हमारा दलित और महादलित कोई मुखिया नहीं बन सकता था, कोई दलित महादलित जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं बन पाता था, कोई दलित महादलित नगर निकाय का मेयर नहीं बन पाता था। उन्होंने कहा कि हम उसको सामाजिक प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे और उस जंजीर में जो कैद था जिन लोगों ने शासन 2005 के पहले तक करने का काम किया था, जिन लोगों ने जंजीरों में बांध करके संविधान को कैद खाने में रखने का काम किया था, नीतीश कुमार ने जंजीर तोड़ करके करके संविधान को निकाल करके करके और उस संविधान को दलितों के हाथों में उनके चरणों में समर्पित करने का काम किया और आज दलित महादलित मुखिया बन रहा है, आज दलित महादलित जिला परिषद का अध्यक्ष बन रहा है और दलित महादलित मेयर बनने का काम कर रहा है। आज वही दलित महादलित आज अपने अपनी योजनाओं को तय करता है और वो तय करता है कि दलित महादलित जो बस्ती में हमारा गली नहीं है, नली नहीं है, कल तक याचक था, कल तक कहता था मुखिया जी जरा सा हमारे यहाँ भी एक चबूतरा बना देने का काम करो। बेटी का जन्म होता है तो आपके खाते में 2,000 रुपया जाएगा और अपने बच्ची का अगर 1 साल के अंदर आधार से नाम जोड़ते हैं तो 1,000 रुपया उनके खाता में जाएगा और 2 साल के अंदर
सभी तरह का जो टीकाकरण होता है, जैसे पल्स पोलियो का टीकाकरण, टिटनस का टीकाकरण, फेसरा का टीकाकरण, निमोनिया का टीकाकरण, यह सारे टीकाकरण फ्री में दिए जाते हैं। और इस टीकाकरण को आप अगर पूरा कर लेते हैं तो 2000 रुपये अलग से आपके खाते में जाता है। और स्कूल अगर अपने बच्चे को भेजते हैं तो छात्रवृत्ति का राशि मिलता है, उसको पोशाक की राशि मिलती है, साइकिल योजना का लाभ मिलता है। और अगर आपकी बच्चे इंटर पास करती है और वह शादी शुदा नहीं है तो 10,000 रुपया उसको आगे पढ़ने के लिए जाएगा, उनके खाता में भेजा जाएगा। और अगर आपकी बेटी बीए पास करती है, अगर वह शादी शुदा है तो भी, शादी शुदा नहीं है तो भी उनके खाते में 25,000 रुपया जाएगा। इसलिए हम आपसे आज के इस सम्मेलन में अनुरोध करने के लिए आए हैं कि अगर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हक और अधिकार दिया है, जो योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया है, अगर वह तमाम तरह का योजना का लाभ लेना है तो अपने बच्चे को स्कूल भेजने की आवश्यकता है। आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। बहुत सारे लोग गाँव घर में भी आपके हितैषी बनेंगे, आपके रिश्तेदार बनेंगे, आपके रहनुमा बनेंगे और कहेंगे कि सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, तो आप गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो निजी विद्यालय में, वह मैट्रिक का टॉपर हो, इंटरमीडिएट का टॉपर हो, ग्रेजुएशन का टॉपर हो, इंजीनियरिंग का टॉपर हो या डॉक्टरी पढ़ने वाला हो, सारे तरह का टॉपर का लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इसलिए यह कहता है अगर कोई भी आदमी कि आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो समझ लीजिए वह आपका ही नहीं बल्कि आपके बचपन बच्चा का भी दुश्मन है, और उसे सतर्क रहने की जरूरत है और अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने का काम किया, सब लोग हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं इस बात के लिए कि हम लोग को याद रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, इस देश में पहली बार जब संविधान बना, जब चुनाव हुए तो सभी नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया गया, ये दुनिया में नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज हुई। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, 1776, और वहां जो काले लोग इनको ब्लैक्स कहते थे उनको सबका अधिकार मिला बराबर का, जाकर के 1963, 200 साल लगे। आप देखिए हमारे बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, जो संविधान में हमारा जो मूलभूत अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट करते हैं उसकी धारा 17 में पढ़िए, एक ही स्ट्रोक में इस देश से छुआछूत को अवैध घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी समाप्त। अमेरिका को इतने वर्ष लगे लेकिन हमारे बाबा साहब को जब मौका मिला संविधान लिखने का तो कितना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया। इसलिए हम लोग उनको नमन करते हैं, उनकी सोच को नमन करते हैं। आप देखिए समाज के हमारे चर्चा कर रहे थे अभी साथी, हमारे जो समाज यहाँ पर नमस्कार, हम लोग सदा से नमन करते हैं, उनको याद रखना चाहिए। उसी प्रकार से बाबा जौहर पर आप सब जानते हैं मुकाम इलाके में चले जाएंगे, प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, कितना बड़ा काम उन्होंने किया समाज में परिवर्तन। बगल उत्तर प्रदेश चलिए, संत रविदास को कितनी बड़ी सोच उनकी थी, समाज में
किस प्रकार ताना बाना बना रहे उसके लिए उन्होंने काम किया, हम लोग उनको नमन करते। उत्तर प्रदेश में ही आप लखनऊ के आसपास जाइए, हम तो वहां नहीं गए, उनसे पूछिए इसका आधार क्या है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, उसी में ही शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार पर जो पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। आप उनसे पूछिए आधार बताइए। ये सिर्फ डराने से काम नहीं होता कि रस्सी को कई बार सांप बता दो। और जब देखिए हमारे नेता नीतीश बाबू, पूछिए उनसे कि हमारे नेता ने बिहार में आरक्षण दिलवाया है किया है, तो उनके रहते कैसे समाप्त हो सकता। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि हमारी सरकार जिसके मुखिया नीतीश बाबू हैं उनके नेतृत्व में बिहार में काम हुआ है और खास करके जो दलित महादलित समाज के लिए काम हुआ है उसके बारे में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी दी जाए और साथ ही साथ उनको आगाह किया जाए कि अगर तरह तरह के लोग जो आकर के उनको भ्रामक प्रचार करते हैं, कई मुद्दों पर उनको गलत जानकारी देते हैं, उनसे भी उनको पूरा का पूरा जानकारी दे करके उनको सावधान कर दिया जाए। और जो हमारे कार्यकर्ता जी यहाँ आए हैं जो सुने हैं वो गांव में जा करके इन बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सब लोगों के मन में जो दूध का दूध और पानी का जो है वो साफ हो जाएगा। प्रमंडल स्तर का सर ये कार्यक्रम था, थोड़ी निराशा हुई जो भीड़ थी? नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं हुई। देखिए है क्या कि चूँकि गर्मी का समय था, कुर्सियाँ लगी थी, आप अगर आप गौर किए होंगे लोग आ रहे थे, आने के बाद वो जा रहे थे और जाकर कहीं छाम रुक रहे, थोड़ी सी चूक हुई। अगर शेड की व्यवस्था होती तो सब लोग बैठते तो आपको लगता कि नहीं संख्या कम होती। एक अलग सवाल सर की जो सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है तो क्या लगता है आपका जो सीट शेयरिंग में हम वक्त पहले महागठबंधन टारगेट कर रहे थे हम लोग अलग अलग जाएंगे, फिर होंगे कि एक साथ जाएंगे, लेकिन जो बातें 17-17 सीट आ रही है 16-16 सीट आ रहे हैं, आप लोग के अंदर खाने भी बाजी उत्पन्न हो सकते हैं उसको लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए क्या उपाय किया? देखिए एक बात मैं बता दूं कि जो आप कल ही आपने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया सीट शेयरिंग के बारे में, 50-50 का आपने देखा कि हम लोगों का है, बाकी जो हमारे दो साथी हैं उनसे वो लोग अंतिम दौर की वार्ता करते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का संतोष और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि साहब कोई जो दावेदार होंगे उनको निराशा होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग हमारे हिस्से में जितनी सीटें आएंगी उसको और साथ ही पूरे के पूरे 40 सीटों पर हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सारे नेता हैं पूरी ईमानदारी से लगकर करके सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी को कैसे रोक पाएंगे? रोकना क्या है, ऑलरेडी रुके हुए हैं साहब, ग्राफ उनका बढ़ रहा है, ग्राफ बहुत नीचे है, बहुत ग्राफ नीचे। मिथिलांचल की बात करें, मिथिलांचल की बात करें तो मिथिलांचल का की राजनीति में काफी महत्व है, तो इस यहाँ के बारे में आपको क्या कहना है, किस प्रकार के उम्मीदवारों को आप यहाँ उतारेंगे कि आप अधिक से अधिक मिथिलांचल में सीट निकाल कर? देखिए आप, हम किसी खास सीट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप इतना आश्वस्त रहिए कि हम लोग जिन उम्मीदवारों को मैदान में लाएंगे वो सब सक्षम उम्मीदवार होंगे, कोशिश करेंगे कि युवा को थोड़ी उसमें हिस्सेदारी मिले और निश्चित रूप से ऐसे उम्मीदवार लाएंगे जो जब जाएं लोकसभा में जीत करके तो मिथिलांचल की बातों को मजबूती से रख सकें। बहुत सारे लोग आज आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं सर, इसके बारे में आपको क्या विचार? देखिए ये बहुत ही स्पष्ट, मैं एक बार नहीं कई बार अभी भी मैंने कर दिया, जो अपना भारत का संविधान आज की तारीख में उसमें साफ स्पष्ट है आरक्षण क्या है, विशेष सुविधा है जो आज तक जो पीछे रहे उसमें सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड का, जब तक उसका कोई संशोधन नहीं हो जाता है तो बाकी जितने लोग बात करते हैं वो सिर्फ बात करने की करते हैं। सर एक प्रश्न है कि आज आपके इस मंच से सभी वक्ताओं ने दलित महादलित की बात को
सारी बातें नीतीश कुमार जी एक केंद्र सरकार के द्वारा जो दलितों के लिए योजनाएं बनी थी चर्चा में क्या लगता है कि आप लोगों के मैंने बिहार की बात करें दलितों के लिए सीमित किए नहीं नहीं एक बात मैं बता दूं देखिए हम लोगों ने जिन योजनाओं की चर्चा की उन योजनाओं में केंद्रीय योजना भी शामिल है बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसकी फंडिंग में राज्य सरकार का भी पैसा होता है केंद्र सरकार का भी पैसा होता है तो हम लोगों ने कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई बात नहीं की बल्कि जितनी भी योजनाएं हैं अभी तो पूरे विस्तार से हमने चर्चा नहीं किया बहुत सारी हमारी शिक्षा में और योजनाएँ हैं स्वास्थ्य में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें सबका पैसा लगता है उसमें कोई हम लोग केंद्र और राज्य की बात नहीं करते सबसे अधिक जरूरी था आवास प्रधानमंत्री का आवास योजना है उस योजना को किसी वक्ताओं ने चर्चा नहीं की देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक योजना नहीं है बहुत सारी योजनाएं हैं और चूंकि आपने देखा ना कि जिस तरह की धूप थी अगर हम लोग बोलते बहुत घंटे लग जाते और इन योजनाओं की चर्चा करते लेकिन वो सारी योजनाओं की जानकारी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको हम लोग बुकलेट के माध्यम से भी दिए हैं हम लोग उनका प्रशिक्षण भी करते हैं और उसका लाभ सब लोग लेते हैं दूसरी बात ये है सर कि जेडीयू और आरजेडी जेडीयू और बीजेपी ने जो आपको सीट बराबर का सीट दिया इस बार जो दे रही है क्या लगता है कि कहीं जेडीयू पर भारत एक भारत तो नहीं दे रहा बीजेपी की है अब आपकी जिम्मेवारी है कि 40 का 40 देखिए तो सारी जिम्मेवारी जेडीयू अरे सुन लीजिए एक बार जरा ध्यान में ये इस तरह के कयास लगाने का कोई मतलब नहीं देखिए जेडीयू की ताकत है बिहार में ये सब जानते हैं जिस किसी की भी बात आप करें जिनकी चर्चा बोल रहे हैं कि ग्राफ बहुत बढ़ रहा है कितनी सीटें थी उनकी विधानसभा में 22 थी जब हमारे साथ आए तो 88 पर पहुंच गए तो देखिए ये जिम्मेवारी इसकी नहीं होती कि हम आपको दे रहे हैं सब मिल कर सबकी अपनी ताकत है जेडीयू की अपनी ताकत है बीजेपी की अपनी ताकत है रालोसपा की अपनी ताकत है लोजपा की अपनी ताकत है ये सभी ताकत मिलकर के संगठित होंगे तब जा करके पूरा का पूरा सामने में सर 2 से 16 दिया गया कहीं ना कहीं आप पर विश्वास आपको देखिए आप समस्या क्या है ना कि आप लोग बिल्कुल नज़दीक वाला देखते हैं हम 20 थे इसको भूलिए मत 2019 में हम 20 हमारे MP थे तो समय समय की बात होती है कि हमारा सुनना गायब हो गया हम 2 पर रह गए देखिए वो बहुत ही उनकी बेबुनियाद जिस तरह की सोच देखिए वो हमेशा चीज़ों को सोचते ही हैं पार्टी लाइन पर हमारे नेता बिहार के उस पर सोचते हैं जहाँ पर वो बोल रहे हैं उनके नेता हैं कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं है देखिए 3 कैटेगरी उसमें बनाए गए और वो हमेशा रिव्यू होते रहता है उस कैटेगरी में जो जो और प्रखंड आएंगे उनको लिया जाएगा सर कल दरभंगा में घटना घटी 2 दिन पहले जिसमें जेडीयू के नेता थे मनोज क्या वो आपके सदस्य थे या हमको इसकी जानकारी नहीं मिली